नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 19, तोता और इंद्र। सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? बच्चों, ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। उन्हीं के द्वारा हमें इस धरती पर जन्म मिला है। हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य की योनि में हमें जन्म प्राप्त होता है। जीव जंतु पशु पक्षी हर एक किसी में अपने जन्म स्थान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जननी और जन्मभूमि, यानी जहाँ पर आप जन्मभूमि, मतलब जिस भूमि पर आप जन्म लेते हो वह आपकी जन्मभूमि कहलाती है। और जन्म देने वाली यानी माता जननी है, उस दोनों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। जन्मभूमि से लगाव होता है कि यहाँ पर जहाँ पर हमें जन्म प्राप्त हुआ हो, यह केवल मनुष्य के लिए ही लगाव का अनुभव नहीं है, यह पशु पक्षी के लिए भी उतना ही महत्व होता है। यदि हमें स्वर्ग दिया जाए, स्वर्ग की सुख सुविधाएं दी जाए और बाजू में आपको जन्मभूमि के बारे में बोला जाए, दोनों में से किसी एक को पसंद करना के लिए कहा जाए, तो हम अपनी जन्मभूमि को पसंद करेंगे, क्योंकि जिसके कारण हमें यह जन्म प्राप्त हो, जहाँ पर हमें जन्म प्राप्त हुआ है और जिसके कारण अर्थात जननी के कारण हमें जन्म प्राप्त हुआ है, यह हमारे लिए स्वर्ग से भी हमेशा श्रेष्ठ रहेंगे। बाल मित्रों, यहाँ पर एक ऐसे पक्षी के बारे में बताया गया है, तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे। और एक वो कविता कैसी है, पहले कहानी थी और कहानी को कविता का रूप दिया गया है। यहाँ पर ईश्वर का और पक्षी का वार्तालाप यानी संवाद है, उस संवाद को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सरल भाषा में व्यक्त किया गया है। तो बाल मित्रों, आज हमारी जो कविता है वह कविता है, कौन सी है, चैप्टर नंबर 19 में तोता और इंद्र, उस कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बाल मित्रों, हम हिंदी में चैप्टर नंबर 19 तोता और इंद्र कविता है वह पढ़ेंगे। इसके कवि हैं नरेंद्र मालवीय। और ये कविता का जो प्रकार है ना बच्चों, वह संवाद काव्य है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना, बातचीत रूपी कविता है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अब हम नरेंद्र जी का परिचय पढ़ते हैं। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में आपने अपना योगदान दिया है। सरल सहज भाषा साहित्य की विशेषता है। सरल और सहज मतलब आपकी जो भाषा है एकदम सरल है और सहज है, ताकि हर एक किसी को यह भाषा समझ में आ सके। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से स्पर्श पेश करते हैं। मार्मिक यानी मन को लगने वाली मार्मिक जो भाषा है आपकी, वह उसके द्वारा आप बहुत ही ज़्यादा गहरी बात को इतनी सरलता से पेश कर देते हैं, यही आपके कविता की और आपकी विशेषता है। यह एक सरल एवं सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है, यानी पहले ये कविता पहले कहानी थी और कहानी में से कविता बनाई गई है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। ये जो कहानी है किससे ली है बच्चों, बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद माना जाता है। विश्व यानी दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ संवाद माना जाता है। बाल मित्रों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी,
जो अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से, देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लख कर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बनकर बनके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा क्या हित अपने निज मन में। तोता बोला महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर, जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा था ही बलशाली, यही ही था इस वन की शोभा भाग्यवान अति गौरवशाली, यह ही था इस वन की शोभा भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको यही अति प्यारा था, महाराज यही है यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर अब तक इसने दी मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से मुझे बाण से इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तज कर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, बचपन के साथी को तज कर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति को मैं पा सकता हूँ, इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी सफल हुआ तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर तो जो शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एव मस्तु, कहा इंद्र ने एव मस्तु, और तरु ने फिर नव जीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया, लेकर वह फिर लहराया। आइए बाल मित्रों अब हम कविता का शब्दार्थ सहित भावार्थ देखते हैं। मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं। अब हम सुनो भाइयों से लेकर लख कर होते अति आकर्षित तक मैं आपको इसका भावार्थ बता रही हूँ। सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, प्राचीन यानी पुरानी, जो है अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। अद्भुत यानी बहुत ही ज़्यादा अनोखी, अति यानी बहुत अधिक अनोखी कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा, महिमा यानी बढ़ाई या महत्ता,
चारों दिशा में अति गुंजित, गुंजित यानी फैली हुई है। देवों सहित देवपति, देवपति यानी इंद्र, देवों के पति देवपति यानी इंद्र, उसको लख कर होते अति हर्षित, लख कर यानी देखकर अति हर्षित यानी खुशी होना। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। भाइयों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। वह कहानी कैसी है? अति बहुत ही ज़्यादा प्राचीन कहानी है। यह कहानी सचमुच बहुत ही ज़्यादा सुंदर कहानी है, अति सुंदर यानी बहुत अधिक सुंदर कहानी है। और कहानी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा अनोखी कहानी है। सचमुच इसे तो कहानियों की रानी कहा जाता है। पुण्य भूमि काशी की महिमा, काशी को पुण्य की भूमि कहा जाता है। काशी की महिमा है चारों दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी कि काशी बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली भूमि है। उसकी इस महिमा की पूरे चारों दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा बड़ाई थी या महत्ता फैली हुई थी। देवों सहित देवपति, देव देव यानी ईश्वर देवता, और देवपति इंद्र भी इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते थे, हर्षित होते थे। बाल मित्रों, अब हम उसके बाद की चार लाइन है उसका भावार्थ शब्दार्थ सहित देखेंगे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन उस, जबकि निकट, निकट यानी पास में निर्जन वन में, निर्जन यानी जहाँ पर कोई भी ना हो, वीरान पड़ा हो, वन यानी जंगल। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से, निर्जीवित मतलब बेजान, जिसमें जान ना हो। देख उसके खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, अचरज मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होना, उसको सूखे तरु पर लख कर, लख कर यानी देख कर। अब हम देखते हैं कि एक बार इंद्र है, देवपति इंद्र है, एक बार उस जंगल के पास में से गुजर रहे थे, जा रहे थे, जहाँ पर निर्जन वन था, निर्जन वन यानी सुनसान वन था, वहाँ से एक बार इंद्र वहाँ से निकल रहे थे, गुजरना यानी निकल जाना। देखा एक पेड़ अति भारी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पेड़, बहुत भारी, बहुत ज़्यादा बड़ा एक पेड़ देखा, और सूखा था निर्जीवित तन से, अर्थात एक इतना बड़ा पेड़ देखा, पर वह पेड़ कैसा था? बेजान था, पूरी तरह से पेड़ है वह सूख गया था। ये किसने देखा? इंद्र ने देखा। उसके एक खोखले में था तोता बहुत ही सुंदर। दूसरी बात, उन्होंने, इंद्र ने और क्या देखी कि वह पेड़ बहुत ज़्यादा भारी था, पूरी तरह से बेजान था, अर्थात वह सूख गया था, परंतु उस पेड़ के खोखले में एक पोली जगह थी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक तोता उन्होंने बैठे हुए देखा। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उस सूखे तरु पर लगकर, इंद्र को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एक पूरी तरह से सूखा हुआ पेड़ है, उसके खोखले में एक बहुत ही सुंदर तोता है, वो बैठा हुआ है। यह देखकर इंद्र को बहुत ही ज़्यादा अचरज होता है। अब उसके बाद की लाइनों का देखते हैं। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी? इस सूखे तरु पर तू रहता बनकर, बन करके अनजान अनारी, हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? अब हम कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों? पूछा से लेकर निज मन में तक हम भावार्थ और शब्दार्थ देखते हैं। जब इंद्र ने उस तोते को सूखे हुए पेड़ पर बैठे हुए देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, और उन्होंने उस तोते से जाकर पूछा कि क्या तू मूर्ख है? इतना ज़्यादा मूर्ख है कि पूरी तरह से सूखे हुए पेड़ पर तू यहाँ पर बैठा हुआ है? तू चारों तरफ नज़र डाल, इस जंगल में, इस वन में कहाँ हरा पेड़, हरे भरे पेड़ नहीं है, तो अनजान बनकर, अनजान यानी अपरिचित, और बेहद मतलब बहुत ही अधिक, और अनारी मतलब नादान है, तू बहुत ज़्यादा नादान है या मूर्ख है,
क्यों? क्योंकि पूरे जंगल में इतने सारे पेड़ हैं जो पूरी तरह से हरे भरे हुए हैं, हरा भरा। तो क्यों इस पेड़ पर मूर्ख बनकर अनाड़ी बनकर बैठा रहना चाहता है? तू देख, चारों तरफ तेरी नजर फैला जंगल में, दूर दूर तक विस्तृत यानी जहाँ तक जंगल फैला हुआ है, उस जंगल में चारों तरफ हरे भरे पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। भला तू रहने में, यहीं रहने में तूने सोचा क्या निज मन में? तूने अपनी भलाई के लिए तो क्यों इस वन के इस सूखे हुए पेड़ पर रहना चाहता है? यह बात किसने? इंद्र ने तोते से पूछी। Thank you for joining us.